लायन, किंग ऑफ द एनिमल किंगडम, जानवरों के साम्राज्य का राजा। वो चीते से तेज नहीं दौड़ सकता, बंदरों की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। वो जिराफ जितना बड़ा नहीं है, हाथी जितना विशाल नहीं है, चूहे जितना छोटा नहीं है। ना वो ज्यादा बुद्धिमान है और ना ही सबसे सुंदर है, लेकिन फिर भी वो इन सब पर राज करता है। ऐसी क्या बात है उसमें कि वो अपने साम्राज्य का राजा है? व्हाट इज द मेंटेलिटी ऑफ ए लायन? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको शेर की वो 5 खासियत बताने वाला हूँ जो आपके अंदर भी होनी चाहिए, ताकि आप भी अपनी सफलता का शिकार आसानी से कर पाओ और एक राजा की तरह जिंदगी जीने लगो। सबसे पहली खासियत, वो निडर और बहादुर होता है। शेर आत्मसमर्पण नहीं करता, वो कभी हार नहीं मानता। फिर चाहे कई गुना विशाल हाथी उसके सामने खड़ा हो या 100 गीदड़ों ने उसे घेर लिया हो, उस वक्त सिर्फ 3 ही काम होते हैं। या तो शेर उन्हें भागने पर मजबूर कर देगा, या उन्हें वहीं पर फाड़कर मार डालेगा, या फिर लड़ते हुए खुद मर जाएगा, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। आपको अगर शेर की तरह बनना है तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन पर काम करो। ये देखो कि आप अपनी कमजोरियों को ताकत कैसे बना सकते हो, क्योंकि जिसके अंदर कोई कमजोरी नहीं होती वो निडर हो जाता है। फिर चाहे उसके सामने गीदड़ों के जैसी हजारों प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, वो ना डरता है ना हार मानता है, इसलिए निडर बनो। दूसरी खासियत, वो रिस्क लेता है। जब शेर को भूख लगती है तो वो शिकार की तलाश में निकलता है, और छोटे शिकार को मारने में तो उसे कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन जब भूख जोर की लगी हो तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए कोई भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उस वक्त अगर जिराफ भी उसके सामने आ जाए तो वो उस पर भी हमला कर देता है। जबकि जिराफ की एक लात अगर शेर को पड़ जाए तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो भूख मिटाने के लिए रिस्क लेता है। अगर आपकी भूख बड़ी है तो उस भूख को मिटाने के लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा, इसलिए शेर की तरह बनना है तो रिस्क लेना सीखो। तीसरी खासियत, शेर को खुद पर पूरा विश्वास होता है। दोस्तों, एक शेर जंगल में आजाद होकर घूमता है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसे अपने आप पर 100% विश्वास होता है। उसे विश्वास होता है कि अगर उससे हाथी भी भिड़ जाए तो वो उसे भी फाड़ने की ताकत रखता है। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो अपने विश्वास के साथ डटा रहता है। जबकि वो कई बार इनसे हार जाता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा कोशिश करता है, क्योंकि ये उसकी मानसिकता होती है। उसका विश्वास होता है कि वो उनका शिकार कर सकता है, और कई बार वो उन्हें मार भी डालता है। दोस्तों, अगर आपको शेर की तरह बनना है तो आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, और 100% विश्वास के लिए आपको फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 100% विश्वास के साथ कोई भी काम करते हो तो उसमें सक्सेस होने के चांस 100% बन जाते हैं। इसलिए खुद पर पूरा विश्वास करके सफलता का शिकार करो, सफलता आपके चंगुल में होगी। चौथी खासियत, शेर की पकड़ मजबूत होती है। वो अगर एक बार किसी शिकार को गर्दन से पकड़ लेता है तो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक शिकार का काम तमाम ना हो जाए, या फिर वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर ना गिर जाए। आपकी पकड़ भी ऐसे ही मजबूत होनी चाहिए। आपका सपना चाहे जो भी हो, आपकी मंजिल चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, अगर सपना पूरा करने का फैसला कर लिया है, मंजिल तक पहुँचने की ठान ली है, तो आपकी जिद शेर की पकड़ की तरह तब तक नहीं छूटनी चाहिए जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए, जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच जाओ। पांचवी खासियत है फोकस। जब शेर शिकार पर निकलता है तो वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता, वो पहले अपने शिकार को देखता है, उसे ऑब्जर्व करता है, और फिर अपना पूरा फोकस उठाकर उस पे डाल देता है। उसके बाद अपने शिकार के पीछे पूरी ताकत से दौड़ता है, वो अपना 100% देता है, फिर चाहे शिकार उसके पंजों में आए या ना आए। इसलिए आप जो भी सपना देखो, पहले खुद से पूछो कि जो सपना आप देख रहे हो वो आपके लिए ठीक है या नहीं, मतलब कि आप प्रैक्टिकली उसे पूरा कर सकते हो या नहीं। अगर जवाब हाँ में आए तो अपना पूरा फोकस उठाकर वहाँ पर डाल दो और उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दो। हो सकता है एक बार में सफलता ना मिले, आप दोबारा कोशिश करो, क्योंकि कई बार अपना 100% देने के बाद भी शिकार शेर के हाथ से निकल जाता है, तो क्या हुआ, शेर फिर से दोबारा कोशिश करता है। वो तब तक कोशिश करता है जब तक उसकी भूख शांत ना हो जाए। आप भी फेल हो सकते हो, लेकिन आपको भी तब तक कोशिश करनी है जब तक आपकी सफलता की भूख ना मिट जाए। एक शेर की दूसरे जानवरों के प्रति मानसिकता होती है कि तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो सकते हो, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रोंग हो सकते हो, तुम मुझसे ज्यादा लकी हो सकते हो, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मैं जीतूंगा और जीत कर रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।